Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ. It is a wonderful day. और ये एक अद्भुत दिन है. If you have Jesus in your life. और अगर आपके पास अपने जीवनों में यीशु है. No matter what is around you. और ये मायने नहीं रखता कि आपके इर्द-गिर्द क्या है. And what your circumstances may be. या आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं. He will make all things beautiful and good for you. वो तो हर एक बात को भला बना देगा और अच्छा बना देगा. Our part is trust him. हमारा काम तो ये है कि हम उस पर भरोसा रखें. You know, in our last meditation, we meditated on Christian home. और हमारे पिछले मनन में हमने इस मनन को शुरू किया जो कि था मसीही घर. And we consider only one aspect of. और हमने उस बात को लेकर उसका पहला चरण या ये पहली बात के ऊपर अपने विचार को रखा. two. या दो बातों को क्षमा करिएगा. Our last point was what is Christian home. और हमारा दूसरा या अंतिम भाग पिछले दिन क्या पिछली बार क्या था कि मसीही घर क्या है. First of all, a Christian home is a place where there is dedication, there is faith. There is harmony, there is Bible. और पहला भाग ये था कि मसीही भवन या घर वो है जहाँ पर समर्पण है, विश्वास है, भाईचारा है और वचन पाया जाता है. And Christian home is a place where Christ reigns. और मसीही भवन या घर वे घर हैं जहाँ पर मसीह या यीशु मसीह राज्य करता है. And we want to think further. और हम इस आगे बढ़कर और विचारेंगे. The next thing is a Christian home is a place where love reigns. और अगली बात ये है कि मसीही घर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रेम राज्य करता है. First Christ reigns. पहले मसीहा रेन राज्य करता है. And then love reigns. और उसके पश्चात वो प्रेम राज्य करता है. You know how wife lovingly submissive. To her husband. और आपको पता है कैसे जहाँ पर हम देखते हैं कि पत्नियाँ प्रेम के साथ खुद को पति के अधीन करती हैं. And the husband loves his wife. और पति अपनी पत्नी से प्रेम रखता है. And not bitter against his wife. और अपनी पत्नी के पति प्रति किसी बात की कड़वाहट नहीं. Now I want to elaborate little bit. और कुछ बात को मैं थोड़ा सा गहरे रूप में बताना चाहता हूँ. Some people think, you know, wife submit yourself to husband means be like a slave. और कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो बाइबल में वचन लिखा है कि पत्नी हे पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहो, इसका मतलब है कि वे पत्नियां दास बन जाएं या नौकर बन जाएं. So many homes wife is like a slave and husband is the master. और इसलिए कई घरों में पत्नियां नौकरों के समान हैं, दासों के समान हैं और पति स्वामी या मालिक के समान. Wife has no freedom. और पत्नी के पास कोई आजादी नहीं. And she only has to listen and obey. उसको तो सिर्फ सुनना है और आज्ञा माननी है. That is not the biblical aspect of submission. लेकिन अधीन बने रहने का वचन के अनुसार ये मतलब नहीं. You know, wife's submission to her husband has a moral. और आपको अगर पता हो कि पत्नी का समर्पण या पति के अधीन बने रहने का एक उदाहरण है. What is the moral? और वो उदाहरण क्या है? The church. वो है कलीसिया. It is just like the church's submission to Jesus Christ. ये इसी समान है जैसे कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाती है. That is what Apostle Paul teaches in Ephesians chapter 5. और इसी बात को पौलुस प्रेरित इफिसियों की पत्री उसके पांचवें अध्याय में सिखाता है. So when it says submit yourself to your husband. और इसलिए जब वो कहता है कि खुद को अपने पतियों के अधीन करो. It does not mean that she has to be like a slave. इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी को नौकर बन के रहना है. Or a cook or a washerwoman or a cleaner. या एक किचन में काम खाना बनाने वाली के रूप में या सफाई करने वाली के रूप में. Remember the original plan of God in creating woman. आप याद करिए परमेश्वर का वो योजना जब उसने स्त्री को पुरुष के लिए बनाया. It is not good for man to be alone, but I am going to make him a help.
और ये मनुष्य के लिए अच्छा नहीं होगा या पुरुष के लिए अच्छा नहीं होगा कि वो एकांत या खेले में रहे, इसलिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। She is to stand by her husband और उसे अपने पति के संग खड़ा होना होगा and assist him in fulfilling his leadership responsibility और उसकी सहायता करनी होगी कि वो उसके अपनी अगुवाई की जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा कर सके। And so, just like a church submit herself to the lordship of Jesus और जैसे कलीसिया खुद को प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में समर्पित कर देती है and husband's love also has a model और याद रखिए पतियों के प्रेम का भी एक उदाहरण है a pattern एक तरीका है what is that pattern और वो तरीका क्या है Jesus himself यीशु खुद His love for the church. जैसा प्रेम यीशु ने कलीसिया से किया। Remember how Jesus loved his church. और याद करिए कैसे यीशु ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया। Wife's submission to husband is in response to his love. और याद रखिए पत्नी का समर्पण या पति के अधीन बना रहना ये तो तब होगा जब पति उत्तर में उसे प्रेम देगा। Not to authoritarian dictatorship, ना कि तानाशाह बनकर वो अधिकार दिखाए। But to the way Christ loved the church, लेकिन जिस तरीके से एक मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, how did he love? और कैसे प्रेम किया? He loved by giving himself totally to the husband. और उसने ऐसे प्रेम किया कि उसने पूर्ण रीति से खुद को कलीसिया के लिए दे दिया। Just like church's submission to Christ, और जैसे कलीसिया खुद को मसीह के अधीन करती है, what is it? It is in response to his love for the church. और ये तो उसके उत्तर के प्रति है कि जो यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया। Wife's submission is not slavery. और इसलिए याद रखिए पत्नियों का समर्पण कोई नौकरी या दासवत नहीं है। It is a very loving understanding, acknowledgement of the leadership God has assigned to the husband. ये तो उस बात को पहचानना है पत्नियों के द्वारा कि कैसे प्रेम के साथ परमेश्वर ने वो अगुवाई करने की जिम्मेदारी पतियों को दी है। And in exercising this leadership और इस अधिकार का अभ्यास करते हुए what is wife's part पत्नियों का क्या हिस्सेदारी है the wife is to help or assist him और पत्नियों का काम तो यह है कि वो उनकी सहायता करे and husband's love for his wife is to be the same as Christ's love for the church और इस पति का प्रेम पत्नी के प्रति वैसा ही होना चाहिए जैसा मसीह ने कलीसिया से किया। Consider this. और इस बारे में सोचें। This love is not earthly. और याद रखिए ये प्रेम सांसारिक नहीं। This love is divine love from heaven. और याद रखिए ये तो दैवीय प्रेम है जो स्वर्ग से आता है। It is first of all selfless. और पहली बात ये प्रेम तो निस्वार्थ है। Secondly, it is unconditional. दूसरी बात ये बिना किसी शर्तों के है। Thirdly, it is sacrificial. तीसरी बात ये बलिदान करने वाला प्रेम है। And fourthly, it is sanctifying. और चौथी बात ये शुद्ध करने वाला प्रेम है। And fifthly, it is satisfying. और पांचवी बात ये तृप्त करने वाला प्रेम है। These are the qualities of Christ's love for his church. और ये वो गुण हैं यीशु के प्रेम के जो वो अपनी कलीसिया के प्रति रखता है। And Apostle Paul, by the inspiration of the Holy Spirit, is giving these instructions to husband and wife. In order to make their family life beautiful. और इसलिए पौलुस प्रेरित पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस बात का दिशा निर्देश विश्वासियों को दे रहा है ताकि वो अपने रिश्ते को सही कर सके। So first of all, और इसलिए पहली बात, a Christian home is a place where Christ reigns. और मसीही घर ऐसे घर हैं जहां पर यीशु राज्य करता है। And secondly, a Christian home is a place where love reigns. और दूसरी बात, मसीही घर ऐसे घर हैं जहां पर प्रेम राज्य करता And thirdly, है। और तीसरी बात, a Christian home is where the Bible reigns. और एक मसीही घर ऐसा घर है जहां पर वचन या पवित्र शास्त्र राज्य करता है। Bible, वचन, God's word
is God's way of cleansing. और याद रखिए, पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन वो परमेश्वर का तरीका है कि वो हमें शुद्ध कर सके. And so that must reign in our homes. और वे बात भी हमारे घरों में राज्य करने पाए. We need constant cleansing. और हमें निरंतर शुद्ध किए जाने की आवश्यकता है. Psalm 119 verses 9 to 11. और भजन 119 उसके 9वें भजन से लेकर 11वें वचन तक. You may take down these references and read it today. आप इन वचनों को लिख सकते हैं और बाद में पढ़ सकते हैं. And then you cannot have a clean home without the Bible. और याद रखिए, आपका घर, आप एक शुद्ध घर नहीं कभी रख सकते जब तक आपके पास वचन या पवित्र शास्त्र ना हो. Ephesians chapter 5 verses 26 and 27. इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 26वां और 27वां वचन. And thirdly, और तीसरी बात, your respect for the Bible measures your respect for God. और आपका आदर वचन या पवित्र शास्त्र के लिए दिखाता है कि परमेश्वर के प्रति आपके मन में कितना आदर है. And fourthly, और चौथी बात, remember this, इस बात को याद रखें, Jesus Christ is the living word, कि यीशु मसीह तो जीवित वचन है, and the Bible is the written word, और ये बाइबल या पवित्र शास्त्र लिखित वचन है. The written word reveals the living word. और लिखित वचन जो है जीवित वचन को प्रकाशित करता है. And it teaches how to honor him and how to worship him and how to exalt him. और इस बात को सिखाता है कि कैसे उसका आदर करे, कैसे उसका सम्मान करे और कैसे उसके नाम को ऊंचा उठाए. And everything we need to keep our relationship with the Lord Jesus Christ intact is given in God's word. और हर एक वो बात जिसकी आवश्यकता हमें है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को जोड़े रख सकें, वो इस पवित्र शास्त्र में दी गई है. So my friends, और इसलिए मेरे मित्रों, why do we need God's word? क्यों हमें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है? It is a very important means of cleansing us. और ये तो एक बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण तरीका है हमें शुद्ध करने का. And it is a very important thing to have in order to keep us always clean. और ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है ताकि जिसका होना हमारे जीवन और घरों में महत्वपूर्ण है ताकि हम शुद्ध रह सके. And the measure of your love for the Bible shows the measure of your love for God. और आपका स्तर कि आप कितना पवित्र शास्त्र से प्रेम रखते हैं वो दिखाता है कि कितना आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं. And so I hope these two short meditations have helped you to understand what is more important thing needed in our nation, in our society, in our community, in our churches, strong Christian homes. और इसलिए मुझे पूरी आशा है कि इन वचनों के द्वारा आप समझने पाए हैं कि हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में और हमारे राज्य में किन बातों किसकी आवश्यकता है, और वो है मसीही भवनों की. So may the Lord bless you to do that. और होने दे परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि आप ऐसा करने पाए. And make sure that we convert our homes are really genuine Christian homes. और इस बात को सुनिश्चित करें कि हम अपने घरों को सच में मसीही घरों के रूप में बदल दें. Where Christ reigns, जहां पर मसीहा राज्य करता है. And love reigns, जहां पर प्रेम राज्य करता है. And the Bible reigns, और अंतिम में जहां पर पवित्र शास्त्र राज्य करता है. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. This is a great day. ये एक महान दिन है. Live today and do whatever you need to do, keeping this thing in heart. और आज के दिन जिए और हर एक उस बात को करे जो आपको करनी है इन बातों को याद रखते हुए. Experience his presence every moment. और उसकी उपस्थिति का अब अनुभव आप हर क्षण करें. He is there by your side. और वो तो आपके संग है. You can turn to him any moment. और वो किसी भी क्षण आप उसकी ओर देख सकते हैं. And ask him. और उससे पूछ सकते हैं. And he will be there. और वो आपके लिए होगा. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, to live this kind of life where Christ reigns in our homes and love reigns in our homes and Bible reigns in our homes. हे पिता, ऐसे जीवनों को जीने के लिए जहाँ पर हमारे घरों में मसीहा राज्य करता है, प्रेम राज्य करता है और उसके पश्चात तेरा पवित्र शास्त्र राज्य करता है. We need the Holy Spirit. हमें तेरी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है. Without him we cannot. और इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते. So we call on you, Lord. और इसलिए हम तुझे पुकारते हैं. Pour out your spirit. अपनी आत्मा को बहा. Fill us all with your spirit. हमें अपनी आत्मा से भर दे. Let your anointing
remain upon us. और होने दे तेरा अभिषेक हम सब पर बना रहे. All praise to you. सारा आदर आप ही को देते हैं. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. This is a great day. और ये एक महान दिन Enjoy है. Enjoy this day. इस दिन का आनंद आप लें. It is yours. ये आपका है. Christ is yours. मसीहा आपका है. And all the plans that God has for you will happen. और हर वो योजना जो परमेश्वर की आपके लिए है वो होगी. आमेन. आमेन.